हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बिजनेस मार्केट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्रिटिश शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने मराठा काल तक पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश शासनकाल के बारे में। यदि बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल कब से स्थापित हुआ, तो यह आपका 1854 से स्थापित हुआ, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है वह ब्रिटिशों के अधीन किस वर्ष में हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1854 में हुआ, ठीक है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि आपको विदित है कि ब्रिटिशों के पहले कौन था, तो पहले हमारे मराठा थे। मराठा के पहले कौन था, तो पहले इसके कलचुरी हुआ करते थे, ठीक है। ये क्रम मैंने आपको एक बार और बताया था, ठीक है। तो आपको रिमेम्बर के लिए एक बार और बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रम को जमाना है, काल क्रम, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, कलचुरी पहला, फिर मराठा, उसके बाद आया हमारा ब्रिटिश, ठीक है। तो हम लोग आज ब्रिटिश शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके शासनकाल में क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर संचालित किया गया, ठीक है। ओके, तो ब्रिटिश शासनकाल के बारे में देखा जाए तो 1854 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ, जो कि आपका 1947 तक चला, ठीक है। जिस तरह से भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ब्रिटिश साम्राज्य वहां से हट जाते हैं और छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यदि देखा जाए तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया, छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक डिप्टी कमिश्नर का नियुक्त किया गया। और डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या था, तो चार्ल्स इलियट साहब थे। इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स इलियट साहब जी को नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था, ताकि छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था को यह सुचारू रूप से चला सके, ठीक है। अब आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति का शासन व्यवस्था संभालना एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, ठीक है। तो इसी के सहायता के लिए एक दो अन्य व्यक्तियों का भी यहाँ पर पद हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ एक पद हुआ करता था जिसे नाम दिया गया सहायक कमिश्नर, ठीक है, ये इसी के साथ हुआ करता था और डिप्टी कमिश्नर के अंडर ही यह काम करता था, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पद का नाम था अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखा जाए तो अतिरिक्त सहायक जो कमिश्नर जो हुआ करते थे, यह पद केवल भारतीयों के लिए ही सुरक्षित हुआ करते थे, ठीक है। तो यह पद केवल भारतीयों के लिए सुरक्षित था, तो यह भारतीयों के लिए सुरक्षित होने के कारण ही रायपुर क्षेत्र और बिलासपुर क्षेत्र में, ध्यान देना आपको, यहाँ पर अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। यदि हम लोग नाम देख रहे हैं तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम था मोहिबुल हुसैन या हसन बोलते से, मोहिबुल हसन को नियुक्त किया गया। बिलासपुर की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया, तो गोपाल राव जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया बिलासपुर में, ठीक है, आपको यह ध्यान देना है। तो यह आपका छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था संभालने के लिए यह सब पद आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये बात कब किया जा रहा है, तो यह बात आपका 1854 के पश्चात, ठीक है। अब आपको यह ध्यान देना है कि 1854 में जैसे ही ब्रिटिश सरकार यहाँ पर स्थापित हुए, तो 1855 में ही छत्तीसगढ़ को एक जिले के रूप में यहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। अर्थात छत्तीसगढ़ को एक जिला के रूप में माना गया, और जिला का प्रमुख कौन हुआ करता था, तो वह कोई और नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम देखिए जिला के रूप में काम कर रहा था। अब जिला के अंतर्गत एक अलग स्तर हुआ करता था, ठीक है। तो जिला के अंतर्गत कुछ तहसीलों का भी निर्माण किया गया,
ठीक है, जैसे कि आपका धमतरी, रतनपुर और आपका हो गया रायपुर, ये तहसील इसके अंतर्गत हुआ करते थे। तहसील के जो प्रमुख जो हुआ करते उसे बोला जाता था तहसीलदार, ठीक है, क्या तहसीलदार, जिसका जो वेतन जो हुआ करता था वह लगभग आपका 150 रुपया हुआ करता था, वह भी प्रति माह, ठीक है, इसको आपको भी ध्यान देना है। ओके, अब देखिए जिला का जो विखंडन हुआ तहसील के रूप में हुआ, तहसील के बाद जो पहले परगना हुआ करता था जिसका प्रमुख कमाबिजदार हुआ करता था उस पद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह उस पद का नाम क्या रखा गया, नायब तहसीलदार रखा गया, ठीक है, अर्थात इसके पश्चात परगना स्तर पर जो पद था उसे नाम दिया गया नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार किसके अधीन काम करेगा, तो जाहिर सी बात है यह आपका तहसील के प्रमुख तहसीलदार के अधीन काम करेगा और तहसीलदार आपका डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो वेतन जो हुआ करता था प्रति माह वह 50 रुपये प्रति माह हुआ करता था, ठीक है। तो ये कुछ अधिकारी के बात हो गया जहां पर ये शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1854 के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, ठीक है, वर्णन कीजिए। और ये प्रीलिम्स के लिए ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1854 के पश्चात, ठीक है, यदि देखा जाए तो 1857 में ही, ठीक है, 1857 में ही यहाँ पर तहसीलों का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। जहां तहसील आपका 3 हुआ करता था तो पुनर्गठन के पश्चात यही तहसीलों की संख्या 5 हो गई, जैसे कि आपका धमतरी, रतनपुर, रायपुर हुआ, इसके पश्चात आपका धमदा और नवागांव, ठीक है, ये आपका नया तहसील बना नवागढ़, ये दो नया तहसील बने, ठीक है। अब 1857 के कुछ महीने के पश्चात ही फिर से तहसीलों का पुनर्गठन किया गया और धमदा की जगह किसे तहसील बनाया गया, उसका नाम था दुर्ग, दुर्ग को ही तहसील बनाया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर तहसीलों की संख्या 5 थी, जिसका नाम था धमतरी, रतनपुर, रायपुर, धमदा नहीं, नवागांव, नवागढ़ और दुर्ग, ठीक है। यहाँ पर धमदा को तहसील का जो अधिकार था इसलिए उसको छीना क्यों गया, तो छीना इसलिए गया क्योंकि वहां पर धमदा में मूलभूत जो भी लोगों की आवश्यकता हुआ करती थी वहां पर वह पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। आपका जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की जो फैसिलिटी दुर्ग में हुआ करती थी, इसीलिए धमदा को छोड़कर जो तहसील बनाया गया वह आपका दुर्ग को ही बनाया गया। ओके, अब देखिए इसके पश्चात 1857 के बाद जैसे कि मैंने बताया कि तहसीलों का पुनर्गठन हुआ, तो 1861 में क्या हुआ, नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र, मतलब जो भी नागपुर के अधीन जो क्षेत्र थे वहां सभी को आपस में मिला लिया गया, ठीक है, और एक नया प्रांत का निर्माण किया गया। कब किया गया, 2 नवंबर 1861 को ही यह निर्माण कार्य किया गया और उसका नाम क्या दिया गया, तो उसका नाम दिया गया मध्य प्रांत, ठीक है, आपको ध्यान देना है। गठन कब हुआ, 2 नवंबर 1861 को इसका गठन किया गया, ठीक है। नागपुर की बात करें तो नागपुर व इसके अधीनस्थ क्षेत्र की बात करें यदि, तो कौन कौन सा क्षेत्र हुआ करते थे, तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है, जहां पर आपका नागपुर राज्य का क्षेत्र हुआ करता था, वहीं आपका सागर नर्मदा का क्षेत्र हुआ करता था, जो कि नागपुर व उसके अधीनस्थ, जो कि नागपुर के अधीनस्थ क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। तो आपका नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा संभाग आता था, तो इसके अंतर्गत 3 संभाग आते थे, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया नागपुर संभाग हो गया,
ठीक है। इसके साथ साथ रायपुर संभाग हो गया, रायपुर संभाग के साथ साथ एक हुआ करता था गोदावरी संभाग, ठीक है। तो ये नागपुर क्षेत्र के अंदर का ये तीन संभाग हुआ करते थे, ठीक है। और इसी तीन संभाग के अंतर्गत आपका टोटल 10 जिला आते थे, ठीक है। यदि मतलब बात करें कि रायपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते थे, तो उस समय बात किया जाए तो आपका रायपुर आता था, बिलासपुर और संबलपुर, ये तीन जिले इसके अंतर्गत आया करते थे, ठीक है। संबलपुर, इसको आपको ध्यान देना है कि कितने जिले इसके अंतर्गत आया करते थे, ठीक है। और ये हम लोग नागपुर क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से जिला आया करते थे, नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, भंडारा हो गया, ये सब जिले आपके अंतर्गत आया करते थे। इसको आपको जानना उतना जरूरी नहीं है, फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। यदि उसने से गोदावरी की बात करें तो गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत गोदावरी का क्षेत्र आया करता था। इसके साथ साथ आपका बस्तर का जो क्षेत्र था, ठीक है, जो भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ है, वह भी इस संभाग के अंतर्गत आया करता था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1861 के पहले, ठीक है, रायपुर जो क्षेत्र था वह किस संभाग के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो आपका रायपुर संभाग के अंतर्गत, या फिर बस्तर किस क्षेत्र के संभाग के अंतर्गत आता था, तो आपका गोदावरी तालुका संभाग के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। वहीं यदि हम लोग बात करें सागर नर्मदा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी दो संभाग हुआ करते थे, ठीक है। एक हमारा नाम जिसका जबलपुर संभाग हुआ करता था, और दूसरा था सागर संभाग, ठीक है। और इन दो संभागों के अंतर्गत लगभग आपका 7 जिला आया करते थे, और यहाँ पर आपका टोटल 10 जिला आया करते थे, ठीक है। तो 10 और 7 टोटल 17 जिले नागपुर के अधीनस्थ क्षेत्रों में आया करते थे, ठीक है। और इन 17 जिलों को आपस में मिलाकर क्या बनाया गया, एक नया प्रांत बनाया गया, जिसका नाम दिया गया मध्य प्रांत, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है इतना को। तो इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रांत का गठन हो गया, और मध्य प्रांत की जो राजधानी था, जो मुख्यालय था, कहाँ बनाया गया, तो बनाया गया नागपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 1861 में इस प्रांत का गठन हुआ, और उसी तरह से 1862 में जो छत्तीसगढ़ पहले जिला हुआ करता था उसको जिला माना जाता था, 1862 में उसको एक संभाग का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, या फिर सीजी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी रूप में आपको अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला, 1862 में मिला, ठीक है। अब इस संभाग के अंतर्गत, अर्थात छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत तीन जिले रखे गए, कौन कौन सा, तो पहला था आपका बिलासपुर था, रायपुर था, और संभलपुर हुआ करता था, ठीक है। इसके अंतर्गत ये तीन जिले रखे गए। वहीं यहाँ पर बिलासपुर और रायपुर जिले में डिप्टी कमिश्नर का नियुक्ति किया गया, ठीक है, जिसे हम डीसी बोल सकते हैं हाफ नेम में, ओके। तो ये था हमारा संभाग के बारे में, जो 1862 की बात है। अब हम लोग यदि हम लोग आगे कालक्रम की ओर यदि चले, तब 1862 के बाद यदि हम लोग नजर डालें, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन में क्या बदलाव हमको देखने को मिलेगा, उसको देख लेते हैं। तो 1905 में, जैसे कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है, 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन। और आपको पता है कि उस समय बंगाल कौन कौन से क्षेत्र से मिलकर बना हुआ था, तो आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, ठीक है। ये सब क्षेत्र आपस में क्या थे, सभी क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था, ठीक है। और अभी वर्तमान जो बांग्लादेश है, वह भी बंगाल का हिस्सा उस समय हुआ करता था, ठीक है, उसको ध्यान देना आपको। तो 1905 में जिस तरह से बंगाल विभाजन होता है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो तीन जिला जो हुआ करते थे, एक था रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर,
यहाँ पर संबलपुर का जो क्षेत्र जो हुआ करता था, इस क्षेत्र को बंगाल में यहाँ पर मिला दिया गया, अर्थात यह क्षेत्र कहाँ चला गया, तो आपका उड़ीसा में चला गया, ठीक है, अर्थात बंगाल के अधीन ही था, उड़ीसा को यह दे दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ छोटा नागपुर का जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय नाम क्या गया था, उदयपुर, चांग भगार, सरगुजा, कोरिया और जसपुर, ये जो क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र हुआ करता था, इन सभी क्षेत्र को कहां दिया गया, मतलब कहां शामिल किया गया, तो यह आपका छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया, ठीक है। इस व्यवस्था के साथ साथ यहां पर छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए, तो ये संबलपुर इधर चला गया, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इन तीनों को जिला बनाया गया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, और छत्तीसगढ़ की जो पोजीशन था वह संभाग की कंडीशन में ही बना रहा, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है 1862 तक, ठीक। और इसके अंतर्गत 3 तहसील जो कि मैंने आपको नाम बताया, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया, और आपको मैंने ये चीज बताना भूल गया कि मध्य प्रांत जो था उसका जो प्रमुख जो हुआ करता था उसे नाम दिया गया चीफ कमिश्नर, ठीक है, और संभाग का जो प्रमुख था उसे नाम दिया गया सिर्फ कमिश्नर, इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। तो यह मध्य प्रांत का मुख्य अधिकारी हुआ करता था और यह संभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। और जो हमारा संभाग जो था, जो छत्तीसगढ़ संभाग था, उसका जो मुख्यालय आपका रायपुर को बनाया गया, और मध्य प्रांत का मुख्यालय जैसे कि मैंने आपको बताया नागपुर को बनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।